विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। पीएम मोदी ने संसद खेल महाकुंभ का किया उद्घाटन, वर्चुअली कार्यक्रम में हुए शामिल। 18 जनवरी से 21 जनवरी तक चलेगा महाकुंभ। बीजेपी सांसद के बचाव में आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, तेजस्वी सूर्या ने अपनी गलती के लिए मांग ली है माफी। तेजस्वी सूर्या ने खोल दिया था विमान का इमरजेंसी गेट। बीजेपी पर बरसी टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, मेघालय में बोली, भाजपा चुनाव के समय कुछ और, चुनाव के बाद कुछ और करती है। दिल्ली विधानसभा में हुआ नोट कांड, आप विधायक ने लहराई नोटों की गड्डियां, जमकर हुआ हंगामा। चुनाव आयोग ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आयोग ने की चुनावी कार्यक्रमों की घोषणा, त्रिपुरा नागालैंड और मेघालय में होंगे विधानसभा चुनाव। हिमाचल पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने किया यात्रा का स्वागत, राहुल ने प्राचीन शिव मंदिर में की पूजा। बिहार सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची हिंदू सेना, दायर की याचिका, जातिगत जनगणना के फैसले पर रोक लगाने की मांग। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, नेपाल प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले यूपी के 4 युवकों के परिवारों को मिलेंगे 5-5 लाख रुपए। पंजाब में कांग्रेस को लगा झटका, राज्य के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने दिया इस्तीफा, बीजेपी में हुए शामिल। आर्थिक कंगाली के स्तर पर पाकिस्तान, 60 रुपए किलो वाला आटा 155 रुपए हुआ। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, पाक के पास बचा 3 हफ्ते का खर्च, राहत के लिए 33 अरब डॉलर की जरूरत। मरीजों के डेथ सर्टिफिकेट में कोरोना से मौत नहीं लिखने दे रहा चीन, डॉक्टरों को जारी की एडवाइजरी। 11,000 लोगों को नौकरी से निकालेगी माइक्रोसॉफ्ट, अनिश्चित कंडीशंस के कारण लिया फैसला, सीईओ सत्या नडेला ने कहा था कि अगले 2 साल चुनौती। शुभमन गिल ने दोहरा शतक जड़, रचा इतिहास, न्यूजीलैंड के खिलाफ हैदराबाद में पहले वनडे में 149 गेंदों पर बनाए 208 रन। पठान के मेकर्स ने अपनाई नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, शाहरुख दीपिका पठान की रिलीज से पहले नहीं देंगे इंटरव्यू, विवादों से बचने के लिए लिया अहम फैसला।